नाम से आपको इसमें पता चल रहा होगा, सॉल्ट बॉडी स्क्रब, यानी कि स्पेशली आपकी बॉडी के लिए स्क्रब है जो कि सॉल्ट से बनाया गया है। आप जानते होंगे स्क्रबिंग जब भी आप सुनते हैं नॉर्मली फेस के लिए सुनते हैं, मेजॉरिटी जो लोग ज़्यादा अपने स्किन केयर नहीं करते वो ज़्यादातर सिर्फ फेस तक करके छोड़ देते हैं, बट हमारी जो बॉडी होती है उसमें भी डेड स्किन सेल्स बनते रहते हैं और उसकी भी केयर करनी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी जो फेस होते हैं उसमें आपने देखा होगा एक्सेसिव लोगों को ऑयल प्रोड्यूस होता है, राइट? ऑयली स्किन होती है, जिनकी ड्राई होती है उनको भी थोड़ा बहुत ऑयल सिक्रीट होता है, राइट? क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन है वहाँ पर बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो ये टेक केयर करते हैं, जो हमारी सेंसिटिव पतली फेस की स्किन नॉर्मली पतली होती है ज़्यादातर लोगों की, तो वो मॉइस्चराइज रहे और उसको प्रॉपरली ड्राई ना हो। बट जो हमारी बॉडी है वहाँ पर इतने ग्लैंड्स नहीं होते कंपैरेटिव टू फेस, तो जो बॉडी की स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली ड्राई होती है। आपने देखा होगा जिनकी ऑयली स्किन होती है फेस पे काफ़ी ऑयल होता है मगर बॉडी में उतना नहीं होता है, राइट? क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स बॉडी में नहीं होते। और जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं वो भी देख सकते हैं कि उनकी फेस से ज़्यादा उनकी बॉडी की स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है, करेक्ट? किस किस ने ऑब्जर्व किया है ये चीज़, राइट? करेक्ट, बहुत लोग हैं यहाँ पर। सो स्किन जो है बॉडी की इसलिए ड्राई हो जाती है क्योंकि वो नॉर्मली हमारे रेगुलर टेक केयर नहीं करने पे वो रिमूव नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डार्क एंड डल दिखती है। और ज़्यादा लंबे समय तक आप उसकी केयर नहीं करते हैं तो थिकनेस भी इंक्रीज होने लगती है और कई बार कई लोगों को स्किन के इश्यूज होने लगते हैं, जैसे बॉडी में एक्ने होने लगते हैं, कई बार झुर्रियाँ टाइप की झाई टाइप की आ जाती है, लाइक डार्कनिंग स्किन होती है, रफनेस हो जाती है, इचीनेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो बहुत कॉमन साइंस हैं जो सभी लोग कहीं ना कहीं तो पर्सनली भी ऑब्जर्व कर चुके होंगे, बट एक्सट्रीम लेवल पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इन्फेक्शन भी बॉडी में होता है और कई बार वहाँ पर कील मुहासे जैसे भी होने लग जाते हैं एंड काफ़ी रेडनेस टाइप की आ जाती है। ये बिकॉज जो रेगुलरली डेड स्किन सेल को रिमूव नहीं करते तो एक के ऊपर एक्यूमुलेट होने की वजह से होती है। तो ये भी एक एक्सट्रीम कंडीशन में और भी चीज़ें हो सकती हैं बट उतना हम डीप नहीं जाएंगे। सो इन शॉर्ट आपको अपनी बॉडी की स्किन को भी रेगुलरली एक्सफोलिएट करना चाहिए ताकि आपके जो नीचे की स्किन है जो हेल्दी स्किन है वो शाइनी और हेल्दी रहे और आपकी कम से कम स्किन प्रॉब्लम हो। सो इसी के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एटमी का सॉल्ट बॉडी स्क्रब। इसकी जो खासियत है इसमें आपको टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं। अगर आप नॉर्मल सॉल्ट की बात करें तो नॉर्मल सॉल्ट में उतने मिनरल्स नहीं होते, बट कुछ टाइप के जो सॉल्ट हैं डिफरेंट रीजन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे हर जगह के नमक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। उसमें भी कुछ एरिया के नमक जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच होते हैं। सो उन्हीं तरह के सॉल्ट, दो टाइप का सॉल्ट आपको यहाँ है, मैं आगे बताऊँगी कहाँ का है वो। दो तरह के सॉल्ट है जो ईजिली आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। सेकेंड, इसके अंदर दो टाइप के स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे कि कई बार आपने सुना होगा लोग मसाज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑयल से क्योंकि उन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, बेनिफिट्स अलग होते हैं। तो दो तरह के एसेंशियल ऑयल भी इसके इसमें आपको मिलते हैं और सॉल्ट एंड ऑयल के कॉम्बिनेशन की वजह से जो मसाज इफेक्ट होता है वो आपके सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है एंड इसी से आपकी डेड स्किन सेल ईजिली रिमूव होती है और साथ ही साथ जो रफनेस है स्किन की वो रिड्यूस होती है एंड शाइनी एंड ग्लोई स्किन आपको मिलती है। चलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा सॉल्ट। सॉल्ट बॉडी स्क्रब में आपको दो तरह के सॉल्ट हैं, एक तो ईस्ट सी सॉल्ट जो कि कोरिया के आसपास जो एरिया है ईस्ट सी का, वहाँ से हाई क्वालिटी वाला जो सॉल्ट है उसे इसमें यूज़ किया गया है और इसी के साथ इसमें आपको एंडीज माउंटेन का ट्रीसल सॉल्ट मिलता है जो कि पूरी दुनिया में उसके मिनरल रिच होने की वजह से भी जाना जाता है। उसमें हाई मैग्नीशियम कंटेंट होता है जो आपकी स्किन में अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम स्किन के बीच की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, तो उस तरह का मिनरल सॉल्ट आपको हमारे बॉडी स्क्रब में मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सॉल्ट स्क्रबिंग की,
तो वो दूसरी स्क्रबिंग से डिफरेंट कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्ट है उसमें जो ग्रेन्यूल साइज है आपको दो टाइप की, फाइन एंड कोर्स, थोड़ी सी थिक एंड फाइन, दोनों तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है जो आपकी स्किन को इफेक्टिवली एक्सफोलिएट, एक्सफोलिएट मतलब डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना, तो एक्सफोलिएशन के काम आती है। प्लस जो सॉल्ट है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि आपने कई जगह सुना होगा जहाँ पर भी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट अगर आप डालो तो वहाँ आसपास काफ़ी प्यूरिटी हो जाती है। इवन कई सारे कल्चर्स में आपने सुना होगा कि घर में ही नमक एक जगह रखना चाहिए, राइट, क्योंकि वो आपकी एयर को प्यूरीफाई करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि उसकी खुद में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो उसी से अगर आप स्क्रब करेंगे तो उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से आपकी स्किन की डेड स्किन सेल्स ही रिमूव नहीं होगी बल्कि एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी मिलता है। और साथ ही साथ जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट्स के, उसके रब करने से एक अच्छा मसाज इफेक्ट होता है, जो प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो जो सेलुलाइट होता है स्किन में, आप देखेंगे कई बार स्किन को तो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी अगर आप उसको दबाएंगे, राइट, तो वो क्योंकि एक्सेसिव सेलुलाइट बॉडी में डिपॉजिट होता है इसकी वजह से वो दिखता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप सॉल्ट से मसाज करते हैं तो सेलुलाइट भी रिड्यूस हो सकता है, तो सॉल्ट बॉडी स्क्रब इसके लिए भी इफेक्टिव होता है। और कुछ लोगों में देखा गया है जो लोग सॉल्ट से इफेक्टिवली मसाज करते हैं तो उनके जो स्कार होते हैं, स्कार भी धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। सो ये एक सिर्फ डेड स्किन सेल्स रिमूविंग की बात नहीं है, ये आपको एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, सेलुलाइट रिडक्शन, स्कार रिडक्शन, मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको सॉल्ट स्क्रब करने से। तो ये थे सॉल्ट स्क्रब के बेनिफिट्स। नेक्स्ट इसमें जो है वो है आपको दो तरह के एसेंशियल ऑयल की मैंने बात की थी। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली हर्बल होते हैं, यानी कि नेचुरल प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं, केमिकल नहीं होते। नेक्स्ट जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उनको वो इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं और हर एक एसेंशियल ऑयल डिफरेंट बेनिफिट्स देता है। यहाँ जो हमने बॉडी स्क्रब में आपको मिलता है वो है साइप्रस ऑयल एंड बीजा ऑयल। साइप्रस ऑयल काफ़ी ज़्यादा स्किन में इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है और साथ ही साथ स्किन को स्मूथ करने की हेल्प करता है, और जैसे मैंने बताया सेलुलाइट रिडक्शन, ये उसके और एडिशनल बेनिफिट्स हैं। इसी के साथ इसमें बीजा ऑयल है। बीजा ऑयल आजकल बहुत ही ट्रेंड में आने लगा है, अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है बिकॉज वो आपकी स्किन के एजिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो एडिशनली जो एक्सफोलिएशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, स्किन डेड स्किन सेल्स रिमूव होती है जिसकी वजह से थोड़ी स्किन इरिटेट हो जाती है, तो वहीं पर ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको सूट डाउन करता है और साथ ही साथ जो एक्सफोलिएशन का रेडनेस आती है उसको काम डाउन करता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलता है। नॉर्मली अगर आप सैलून्स में जाते हैं तो पहले एक्सफोलिएट किया जाता है फिर दूसरा प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है उसके हार्शनेस को रिड्यूस करने के लिए, तो मल्टीपल स्टेप होते हैं। यहाँ सिंगल स्टेप में आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं प्रोडक्ट में ताकि एक्सफोलिएट भी हो जाए और स्किन नरिश भी हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट है वो क्या करता है, ना सिर्फ आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है बल्कि अच्छा मसाज इफेक्ट भी देता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कर होता है। जो एक्सफोलिएशन प्रोसेस है वो आपको साइड बाय साइड डेड स्किन रिमूव करने के साथ ही साथ मसाज इफेक्ट भी देगा जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि आपका जो ब्लड है वो न्यूट्रिशन कैरी करता है, मगर आप मसाज प्रॉपरली नहीं करते तो स्किन में न्यूट्रिशन पहुँच नहीं पाता फ्रॉम द इनसाइड। प्रॉपर सर्कुलेशन की वजह से आपकी जो बॉडी का खुद का न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली स्किन यूटिलाइज कर पाती है जिसकी वजह से अंदर से अपने आप ग्लो आता है। तो डेड स्किन सेल्स तो जो रिमूव हो ही रहे हैं प्लस आपको प्रॉपर सर्कुलेशन की वजह से स्किन में ग्लो आता है और इसी वजह से शाइनी टेक्सचर भी आपकी स्किन को मिलता है। अब चलिए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहली बात, सबसे बेस्ट टाइम है बाथिंग का टाइम। सबसे बेस्ट टाइम होता है एक्सफोलिएशन का जब आप बात करते हैं, नहाते हैं तब। सो इसके अलावा भी अगर आप स्पेशली करना चाहें तो भी आप इसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी स्किन को वॉश कर लें,
उसके बाद थोड़ा सा स्क्रब निकाल के सर्कुलेटरी मूवमेंट में आपको अप्लाई करना है, यानी कि वेट स्किन पे अप्लाई करना है, ड्राई स्किन पे नहीं। ड्राई स्किन पे क्या होता है, काफ़ी स्किन ड्राई होने की वजह से वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए आपको स्किन को पहले वेट कर लेना है, उसके बाद धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में थोड़े थोड़े एरिया में अप्लाई करना है, और बाद में जो प्रॉपरली जैसे आप नहाते हैं ल्यूक वॉर्म वाटर से, हल्के गुनगुने पानी या नॉर्मल वाटर से उसे वॉश अप कर लेना है। और हार्डली आपको 5 से 10 मिनट हल्की सी मसाज करने में ही आपको डेड स्किन सेल इफेक्टिवली रिमूव होती है, क्योंकि इसमें 2 साइज के पार्टिकल्स हैं, फाइन एंड लार्ज पार्टिकल्स, जो एफिशिएंट डेड स्किन सेल रिमूवल करते हैं। बस इसी के साथ आपकी पूरी स्क्रबिंग कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट में आपको अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है तो अगर आप लोशन लगाना चाहें तो थोड़ा लोशन यूज़ कर लें, जिससे आपकी स्किन का जो हाइड्रेशन हुआ है और एक्सफोलिएशन के बाद जो नई स्किन सेल्स आई है वो हाइड्रेटेड भी रहेगी बिकॉज ऑफ द नेचुरल एसेंशियल ऑयल, और लोशन लगा के यू जस्ट हैव टू कवर इट अप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन सबको यूज़ करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।